हेलो स्टूडेंट्स, C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इस सीरीज में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था क्लास एक्सेस मॉडिफायर्स के बारे में। अब हम यहाँ पर इस लेक्चर में पढ़ेंगे मेंबर फंक्शंस के बारे में। इससे पहले की कई वीडियोस में जिसमें हमने क्लास पढ़ा था, एक्सेसिंग ऑब्जेक्ट्स पढ़े थे, उस टाइम पर हमने मेंबर फंक्शंस विद इन क्लास डिफाइन करना सीखा था, जिसमें आपने ये जाना था कि क्लास के अंदर के मेंबर फंक्शंस हम किस तरीके से क्लास के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। ये वीडियो में हम मेनली फोकस करेंगे कि क्लास के बाहर हम मेंबर फंक्शंस को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये है कि मेंबर फंक्शन आखिर क्या होता है। अ मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास इज अ फंक्शन दैट हैज इट्स डेफिनेशन एंड इट्स प्रोटोटाइप, या तो इसकी डेफिनेशन और इट्स प्रोटोटाइप विद इन द क्लास डेफिनेशन लाइक एनी अदर वेरिएबल्स। यहाँ पर मेंबर फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है क्लास का जिसकी या तो डेफिनेशन क्लास के अंदर डिफाइंड है या तो उसका प्रोटोटाइप डिक्लेयर्ड है क्लास के डेफिनेशन के अंदर, जिस प्रकार हम वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं क्लास के स्कोप के अंदर। दैट मीन्स हमारे जो क्लास के ब्रेसेस होते हैं उस स्कोप के अंदर हमने अगर कोई मेंबर फंक्शन डिफाइन करा है या उसका प्रोटोटाइप डिक्लेयर करा है तो वो क्या कहलाता है, मेंबर फंक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास। तो ये जो मेंबर फंक्शंस होते हैं इनको हमने अभी हमारे पिछले लेक्चर में ही एक्सेस मॉडिफायर्स पढ़े थे, तो उनको हम पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफाइड भी बना सकते हैं। डिफरेंस क्या होगा, जो आपके पब्लिक मेंबर फंक्शंस होंगे उनको आप क्लास के बाहर भी एक्सेस कर पाएंगे, प्राइवेट मेंबर फंक्शंस को आप क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर पाएंगे, और आपके जो प्रोटेक्टेड मेंबर फंक्शंस होंगे उनको आप इनहेरिटेड क्लास में ही एक्सेस कर पाएंगे। तो आगे जाकर हम आने वाली वीडियोस में इनहेरिटेंस भी पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम जानेंगे कि प्रोटेक्टेड स्पेसिफाइड मेंबर फंक्शंस को हम किस प्रकार इनहेरिटेड क्लास में यूज कर पाते हैं। तो यहां पर हम मेंबर फंक्शन के लिए जो हमारा एग्जांपल था, हम लास्ट कुछ वीडियो से डिस्कस कर रहे हैं रूम क्लास का, वही हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक क्लास बनाएंगे और उस क्लास का नाम रखा है रूम। हमारी ये जो क्लास थी उसमें हमने कुछ मेंबर्स, हमारे जो डेटा मेंबर्स थे वो बनाए थे। पहला मेंबर था हमारा लेंथ के लिए, हमने उसको फ्लोट टाइप का बनाया था। दूसरा डेटा मेंबर था हमारा ब्रेथ के लिए, वो भी हमने फ्लोट टाइप का बनाया था। तीसरा डेटा मेंबर था हमारा हाइट के लिए, वो भी हमने फ्लोट टाइप का बनाया था। इसके बाद अब हमें इसके अंदर मेंबर फंक्शंस डिफाइन करते हैं। पहला मेंबर फंक्शन मैं डिफाइन कर रही हूं यहां पर, जो कि फ्लोट रिटर्न टाइप का होगा एरिया नाम का। ये मेंबर फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, एरिया ऑफ दिस रूम, सो लेंथ इनटू ब्रेथ, और यहाँ पर ये हमारा मेंबर फंक्शन ओवर हो गया। यहाँ पर अभी हमको कोई भी कंफ्यूजन ना हो उसके लिए हम सभी चीजों को पब्लिकली एक्सेस मॉडिफाई कर रहे हैं। दूसरा जो मेंबर फंक्शन था जो कि हमने क्लास के विदिन ही डिफाइन करा था वो है हमारा वॉल्यूम मेंबर फंक्शन, और ये भी रिटर्न कर रहा है वैल्यू फ्लोट टाइप की, सो रिटर्न लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। यहां पर हमारी क्लास अब ओवर होने से पहले, हम नॉर्मली अगर हमको और क्लास में कुछ नहीं बनाना होता तो हम यहाँ पर ब्रेसेस बनाकर सेमीकॉलन लगा देते, बट अब हमको यहाँ पर सीखना है, हमें ये तो समझ आ गया कि मेंबर फंक्शन क्लास के अंदर डिफाइन कैसे करते हैं, बट मेंबर फंक्शन क्लास के बाहर कैसे डिफाइन करते हैं, उसके लिए अगर हमने डेफिनेशन यहाँ नहीं लिखी है तो उसका प्रोटोटाइप, दैट मीन्स उसका डिक्लेरेशन यहाँ पे लिखना जरूरी है। सो डिक्लेरेशन लिखने के लिए हमें यहाँ पर सिर्फ क्या करना पड़ेगा, नॉर्मली जैसे फंक्शन के डिक्लेरेशन होते हैं उसी प्रकार हम यहाँ पर भी हमारे मेंबर फंक्शन का डिक्लेरेशन यहाँ पर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डेटा टाइप, फॉर एग्जाम्पल फ्लोट ही है रिटर्न टाइप, और हमारे मेंबर फंक्शन का नाम रख रही हूं मैं पैरामीटर, और ये हो गया डिक्लेरेशन। यहां हमारी फंक्शन, हमारा क्लास ओवर हो गया है। अब हम इस मेंबर फंक्शन को क्लास के बाहर डिफाइन करेंगे। सो क्लास के बाहर डिफाइन करने के लिए हमारा सिंटेक्स क्या होगा, सबसे पहले हम यहां पर यूज करेंगे डेटा टाइप का, या फिर जो भी हमारा रिटर्न टाइप है वो हम यहां पर यूज करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे क्लास का नाम यूज करेंगे, दैट मीन्स क्लास नेम,
उसके बाद हम यहाँ पर एक ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं जिसे हम बोलते हैं स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। सो ये रहा हमारा स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, इस प्रकार से दिखता है। उसके बाद हम यहाँ पर फंक्शन नेम का यूज करते हैं, तो फंक्शन का जो भी हमारा नाम है वो हमने फंक्शन नेम लिख दिया। नेक्स्ट हमारे जो भी यहाँ पर पैरामीटर्स होंगे वो हम पास करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर हमारी डेफिनेशन लिखेंगे। ये होता है हमारा सिंटेक्स क्लास के मेंबर फंक्शन को क्लास के बाहर डिफाइन करने का। सो अब इसी सिंटेक्स को हम फॉलो करते हुए पैरामीटर फंक्शन को बाहर डिफाइन करते हैं। सबसे पहले आएगा रिटर्न टाइप जो कि है फ्लोट, क्लास का नाम जो कि है रूम, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, उसके बाद फंक्शन नेम जो कि है पैरामीटर, और क्योंकि यहां पर कोई भी पैरामीटर्स हमने यहां पर पास नहीं करे, आर्ग्यूमेंट्स पास नहीं कर रहे हैं, तो इस प्रकार हम कर देंगे। ये हमारी बॉडी हो गई फंक्शन की जो कि क्या रिटर्न कर रहा है, पैरामीटर ऑफ दिस रूम। तो पैरामीटर क्या होता है हमारा, 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ। सो ये फंक्शन हमने क्लास के बाहर डिफाइन करा है। अब आपने ये फंक्शन क्लास के बाहर डिफाइन करा है, उससे आपकी यहां पर जो आपने एक्सेस मॉडिफायर डिफाइन करा होगा, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड, ये उसी पर डिपेंड करता है कि ये फंक्शन बाहर हम कॉल क्लास के अलावा कहीं और कॉल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ये किस पे डिपेंड करेगा, जो एक्सेस मॉडिफायर जिसमें वो पब्लिक प्रोटेक्टेड प्राइवेट में प्रोटोटाइप उसका लिखा होगा उस पर। अगर मैंने यहाँ पे प्राइवेट लिख दिया होता तो ये जो हमारा पैरामीटर जो फंक्शन है मेंबर फंक्शन वो प्राइवेटली एक्सेस होता, दैट मींस क्लास के बाहर एक्सेस नहीं हो पाता। अभी हम मेन फंक्शन में क्या करेंगे, मेन फंक्शन में हम सिंपली हमारे रूम क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो रूम क्लास का ऑब्जेक्ट आप कोई भी नाम रख सकते हैं, मैंने यहां पर R1 रख देती हूं, फर्स्ट रूम, रूम 1, रूम 2, रूम 3, इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट्स का नाम भी रख सकते हैं। यहां पर आपको सबसे पहले क्या पता करना है, R1 की लेंथ ब्रेथ और हाइट आपको देनी है, तो आप यूजर से भी ले सकते हैं और खुद यहां पर भी कंपाइल टाइम पर भी दे सकते हैं। किस तरीके से देंगे, R1 डॉट लेंथ इक्वल्स टू यहां पर हमने लिखा 2.6 सेंटीमीटर फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा रूम है सेंटीमीटर का। नाउ R1 डॉट ब्रेथ इक्वल्स टू दे दिया 5.7 वैल्यू, ये सेंटीमीटर्स आप मत लिखिएगा इस तरीके से। R1 डॉट हाइट इक्वल्स टू 7.8, हम सिर्फ अभी चेक करने के लिए कोई भी वैल्यूज यहां पर दे रहे हैं, फ्लोट वैल्यू। तो रूम 1 की लेंथ ब्रेथ और हाइट मिल गई, हमें किसको कॉल करना है, अब एरिया पता करना है, तो हम यहां पे डायरेक्टली सी आउट एरिया ऑफ रूम 1 इक्वल्स टू R1 डॉट एरिया, तो यहां पे एरिया प्रिंट हो जाएगा। उसी प्रकार से हम वॉल्यूम को भी यहां पर कॉल कर सकते हैं, और जो हमारा मेंबर फंक्शन क्लास के बाहर डिफाइन है उसको भी हम इसी प्रकार से ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर सकते हैं, क्योंकि वो पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर की जगह पर यहां पर हमने उसको उस तरीके से डिफाइन करा है, तो हम उसको क्लास के बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं। सो पैरामीटर इक्वल्स टू R1 डॉट पैरामीटर फंक्शन, ये भी हमारा एरे एरिया एक फंक्शन है। यहां पे हमारा मेन फंक्शन ओवर हो गया। सो जो हमारा कंसोल विंडो होगा इस प्रकार से, उस पर आपका जो आंसर आएगा पहले लिखा जाएगा एरिया ऑफ रूम 1, और जो भी वो मेजरमेंट होगा यहां पर मेजरमेंट करके यहां पर प्रिंट कर देगा। फिर उसके बाद आप वॉल्यूम ऑफ रूम 1, तो यहां पे प्रिंट हो जाएगा। लास्ट में पैरामीटर ऑफ रूम 1, तो यहां प्रिंट हो जाएगा। इस प्रकार से हम क्लास के मेंबर फंक्शन क्लास के अंदर डिफाइन कर सकते हैं,
और क्लास के बाहर भी डिफाइन कर सकते हैं, और इनको हम कॉल तो ऑब्जेक्ट के थ्रू ही करेंगे उस क्लास के, एक्सेस हम डॉट, यहाँ पे जो हमारा डॉट ऑपरेटर है उसके थ्रू ही हम यहाँ पर इनको एक्सेस करेंगे, चाहे वो मेंबर फंक्शन अंदर डिफाइन हुआ है क्लास के, चाहे वो मेंबर फंक्शन बाहर डिफाइन हुआ है। लेकिन जब बाहर डिफाइन होता है उस केस में हमें क्लास के अंदर डिक्लेरेशन देना है, प्रोटोटाइप देना है, और उसका जब हम डेफिनेशन लिखेंगे उस टाइम पे क्लास के बाहर यहाँ पे रिटर्न टाइप लिखना है, रूम हमारा जो क्लास का नाम लिखना है, देन पैरामीटर लिखना है। चलिए अब इस पूरे हमारा जो प्रैक्टिकली हमने जो यहाँ पर प्रोग्राम लिखा है इसको हम टर्बो सी प्लस प्लस पे करके देखते हैं। सो यहाँ पर हमने जब क्लास बनाई थी रूम, उस टाइम पर हमने विद इन क्लास मेंबर फंक्शंस डिफाइन करे थे, एरिया एंड वॉल्यूम। अब हम क्लास के बाहर हमारा मेंबर फंक्शन कर रहे हैं डिफाइन, सो फ्लोट क्लास का नाम रूम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फंक्शन का नाम पैरामीटर। अब हम इस फंक्शन को डिफाइन करेंगे, यहाँ पर फंक्शन को डिफाइन करते टाइम हम यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न टू इनटू लेंथ प्लस ब्रेथ, और यहां पर हम प्रिंट करा रहे हैं वॉल्यूम के बाद पैरामीटर रूम का, सी आउट पैरामीटर ऑफ रूम इक्वल्स टू रूम वन डॉट पैरामीटर फंक्शन एंड देन। अभी हमने डिक्लेरेशन नहीं करा है उस क्लास के अंदर, तो उसके बिना कंपाइल करके देखते हैं हम हमारे प्रोग्राम को, दो एरर है। क्या एरर है? रूम पैरामीटर इज नॉट द मेंबर ऑफ रूम, पैरामीटर इज नॉट अ मेंबर ऑफ रूम, दैट मींस हमें यहाँ पर उसका डिक्लेरेशन करना भी जरूरी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्लोट पैरामीटर, और बस ये हमारा डिक्लेरेशन हो गया फंक्शन का। अब हम इसे कंपाइल करेंगे, सारी एरर्स चली गई। अब हम इसे रन करेंगे, लेंथ ऑफ रूम 2.3, ब्रेथ ऑफ रूम 3.2, हाइट ऑफ रूम 4.5, तो एरिया ऑफ रूम, वॉल्यूम ऑफ रूम और पैरामीटर ऑफ रूम यहाँ पर हमारा आ गया है। सो यहाँ पर हमने जो वॉल्यूम और एरिया हमारे जो दो ये फंक्शंस हैं, ये फंक्शंस विद इन क्लास बनाए गए थे, और ये जो हमारा पैरामीटर फंक्शन है वो हमने बाहर बनाया है क्लास के। अब हमने क्योंकि क्लास के बाहर बनाया है, अगर इसका डिक्लेरेशन हम प्राइवेट कर दें तो फिर क्या होगा वो देखते हैं हम। दैट मीन्स यहाँ हमारा डिक्लेयर हुआ था ना पैरामीटर, तो यहाँ पर हम इसको प्राइवेट कर दे रहे हैं। तो अब हम इसे कंपाइल करेंगे, एक एरर आई है, पैरामीटर इज नॉट एक्सेसिबल। दैट मीन्स हम अभी भी हमारा जो मेंबर फंक्शन क्लास के बाहर हुआ है डिफाइन, उसकी एक्सेस हम रोक सकते हैं, उसे हम प्राइवेट बना सकते हैं विद इन क्लास ओनली। हमें उसको, अगर इसका मतलब ये नहीं होता है कि बाहर डिफाइन हुआ तो वो पब्लिक हो गया ऑटोमेटिकली, हमने उसके डिक्लेरेशन को प्राइवेट कर दिया। सो वो भी सारी वही फंक्शन, सारी प्रॉपर्टीज वही बिहेव करेगा जिस प्रकार से क्लास के अंदर बनाया जाता है। तो ये है हमारे क्लास के मेंबर फंक्शंस।